हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट, और होप करती हूँ कि ग्लास स्किन चैलेंज को आप सबने एक्सेप्ट किया है और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके रेमेडीज को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फीडबैक्स मुझे आने शुरू हो गए हैं। और सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है अगर पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं, और देख करिए कि आप लोगों को ये मेरे बताए हुए रेमेडीज के बाद फायदा हुआ है, तो इससे इंकरेजमेंट आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप एक फेस टोनर कैसे रेडी कर सकते हैं, जिसके बाद आपके स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है लार्ज ओपन पोर्स की, वो भी श्रिंक हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत फ्रेश लगेगी, ऑइलिंग लगेगी। तो चलिए देखते हैं उस टोनर को बनाते कैसे। फर्स्ट पार्ट में मैंने एवरीडे मास्क बताया, उबटन मास्क बताया, दूसरे पार्ट में बॉडी स्क्रब बताया जो फेस के लिए भी था, और अब थर्ड पार्ट है, अब मैं बता रही हूँ कि टोनर कैसे बनाया जा सकता है। आपको ये पेस्ट देखकर हैरानी हो रही होगी कि इसमें टोनर कहाँ है। टोनर ध्यान में आते ही हमें लगता है कि कोई लिक्विड जैसे, पानी जैसी चीज़ होगी जो हम फेस पे या जहाँ भी यूज़ करना है एज अ टोनर वो यूज़ करेंगे, लेकिन ये मैंने पेस्ट बनाया है। इतना वंडरफुल टोनर आपका बनने जा रहा है जिसका रिजल्ट आपको ज़रूर हैरान कर देगा। तो इसमें मैंने टोमेटो मिलाया है, और एक मीडियम साइज़ का टोमेटो है, छोटा साइज, इतना छोटा साइज़ का पोटैटो है, आलू 4 इंच के आसपास खीरा है, इसमें खीरा आलू और टमाटर का ये मिक्सचर है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने में मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है जो ग्रीन टी का वाटर है। ग्रीन टी को अलग से भी आप एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टोनर को एक अलग ही लेवल पे ले जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इसमें एक स्मॉल साइज़ का टोमेटो है, एक स्मॉल साइज़ का पोटैटो है, और उस छोटा सा साइज़ का खीरा है, कुकुम्बर है। इन तीनों को मैंने पेस्ट बनाया ग्रीन टी में, और ये इस तरह से पेस्ट आपका रेडी हो गया। अब इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको स्ट्रेन करके इसका जो पानी आएगा उसको आप एज अ टोनर एवरी नाइट यूज़ कीजिए, पूरे फेस पे, नेक पे और हैंड्स पे। या फिर दूसरा जो तरीका है, देखिए ये मैंने रेडी कर रखा है इस तरह से, देखिए मैंने इसको जमा दिया है पहले से ही, मैंने सारी तैयारी कर रखी है क्योंकि शूटिंग के समय ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मैंने इस तरह से फ्रीजर में डाल के इसको आइस क्यूब्स बना लिए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आइस क्यूब बनने के बाद ये आपके लार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा, स्किन स्मूथ और शाइनी नजर आएगी। और मैंने पूरा का पूरा पेस्ट जो है उसको इस तरह से जमा दिया है, ना कि उसके वाटर को। दोनों तरीका कर सकते हैं, या तो इस तरह से पूरा का पूरा पेस्ट, वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो पेस्ट को जमा दीजिए, आइस क्यूब्स बना लीजिए, फिर उसको स्ट्रेन करने के बाद। तो इसको हम अब निकालते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने आइस क्यूब इसका बना लिया है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसको यूज़ करना भी उतना ही आसान है, बस आपको पूरे फेस पे इस तरह से रब करना है, ये हल्का हल्का मेल्ट होता जाएगा और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फेस पे स्क्रब की तरह काम करेंगे। तो ये इससे अप्लाई कीजिए, कम से कम 5 मिनट तक इससे मसाज कीजिए, और इसके बाद इसको वॉश नहीं करना है बल्कि किसी भी टिश्यू पेपर से इसको हटा दीजिए जो एक्स्ट्रा है, और उस तरह से जो भी इस पे लगा हुआ है उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, जैसे इस वॉश करते हैं वैसे फेस वॉश कर लीजिए। टोमेटो जो होता है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्किन को लाइटन करता है। टोमेटो जो होता है वो डी टैन प्रॉपर्टीज उसमें होती है, स्किन को डी टैन करता है। और कुकुम्बर जो होता है वो स्किन को टोन करता है। तो इस तरह से तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन, इसका मिक्सचर इस तरह से बनाकर रखिए, अपने फेस को, अपने पूरी बॉडी को ब्यूटीफुल बनाइए, ग्लोइंग बनाइए, स्पॉटलेस बनाइए। देखा आपने कितना आसान था बनाने, और मुझे लगता है कि सब तरह के आइस क्यूब्स को फेस पे यूज करने में बहुत मजा भी आएगा। तो आइस ठंडा पानी होता है, वो हमारे जो लार्ज पोर्स होते हैं उसको श्रिंक करता है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हैं बहुत ही माइल्डली। जरूरी नहीं है कि एक्सफोलिएशन के लिए आपको कुछ खुरदरी चीजों की जरूरत पड़े। आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि जो कच्चा मिल्क होता है, रॉ मिल्क होता है, वो हमारे स्किन को परफेक्टली एक्सफोलिएट करता है। यहाँ तक कि जो हल्दी है, टर्मरिक, वो भी हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जबकि दोनों के दोनों टेक्सचर वैसा है नहीं जैसा कि एक्सफोलिएशन के लिए माइंड में हमने बना रखा है। तो ये वाला टोनर है जो न सिर्फ आपके स्किन के लार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा, आपके स्किन को टोन करेगा, आपके स्किन पे बहुत सारे जो ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, उन सब को रिमूव करेगा, क्योंकि इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट हैं अनवांटेड चीज़ों के साथ फाइट करते हैं और हमारे स्किन को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अच्छा बना के रखते हैं। होप यू वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।